बुज्जला गोपाल कृष्णा के निधन पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने गोपाल कृष्णा के परिजनों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति व्यक्त की। बुज्जला के निधन पर केसीआर ने गहरा शोक प्रकट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राज्य के समय में बुज्जला मेरे साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने उजाला को अपना आत्मीय मित्र बताते हुए कहा कि आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं एक आत्मीय मित्र को खो दिया हो। राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री के तारक रामा राव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हम पर टीका टिप्पणी करते हुए हमारी आलोचना करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टीआरएस पार्टी शासन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पॉलमोर में टीआरएस सरकार की आलोचना की, जिसका केटीआर ने प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को ठिकाने लगाने वाले नेता आज हमारे सरकार का नाम लेकर हमारी आलोचना करना यह हास्यास्पद है। इनकी टिप्पणियों को राज्य की ही नहीं देश की भी जनता भली भांति सुन रही है। गत बुधवार की रात हुई आत्मसम्मान की हत्या हो पर राज्यपाल तमिलसाई ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने नागराज की हत्या घटना पर सरकार से रिपोर्ट जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार समग्र जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है इसकी भी रिपोर्ट देने का राज्यपाल तमिलसाई ने सरकार से आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी को राज्य के आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने गंभीर रूप से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर या राज्य के मंत्रियों को वाड़ू वीड़ू कहकर संबोधित किया गया तो मैं तुम्हारी जबान चीर दूंगा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने मुख्यमंत्री केसीआर की सराहना ही नहीं प्रशंसा भी करते हुए कहा कि केसीआर एक सिंह जैसे व्यक्ति है। तेलंगाना की जनता के लिए केसीआर एक बड़े भाई समान है। तेलंगाना की जनता के लिए वे अपने प्राण तक न्यौछावर करने तैयार रहते हैं। कहते हुए कहा कि यदि कोई केसीआर के संबंध में गलत टीका टिप्पणी करे तो यह बात ठीक नहीं होगी। కేసీఆర్ అంటే పంచ ప్రాణాలు తెలంగాణ ప్రజలకు. తెలంగాణను ప్రేమించినంత, కేసీఆర్ గారు ప్రేమించినంత ఈ దేశంలో ఎవరూ ప్రేమించరు. ఆయనకు రెండే రెండు, తెలంగాణని ఎవడు ఏమన్నా ఊరుకోడు, తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతున్నా ఊరుకోడు. మీరు పులితో కనబట్టి గిచ్చుతున్నారు. పులితో కనబట్టిస్తే ఏమవుతుంది, ఏదో జరుగుతుంది, అప్పుడు మీకు తెలుస్తారు. ఇదేదో అల్లాట పనుకున్నారు. కాము ఎందుకోనంటే నా రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని ఇన్ని సంవత్సరాలు కాము ఉన్నాడు. हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने बताया कि मादक पदार्थों की लत से पीड़ित लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटरों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि चार निजी क्षेत्र के सेंटरों के साथ हैदराबाद नगर पुलिस ने एक MOU कह कर लिया है। नगर पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने बताया कि जनवरी से अब तक मादक पदार्थों का सेवन करने वाले 377 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वृक्ष मामलों में जेल जाकर बाहर आए लोगों पर भी निगाह रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों के मामले में जेल जाकर आने के बाद वे लोग एक अच्छे नागरिक की तरह रहे, इस प्रकार के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। పెడ్లర్స్ కన్స్యూమర్స్ 85 మంది, కేవలం కన్స్యూమర్స్ 94 మంది, కల్టివేటర్స్ ఒకరు, ట్రాన్స్పోర్టర్స్ నలుగురు, మొత్తం 377 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు రెగ్యులర్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్ ఆన్ అవుట్ పేషెంట్ బేసిస్ వారానికి రెండు సార్లు వీళ్లకు కౌన్సిలింగ్ సెషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎవరికైతే అడ్మిషన్ అవసరమో వారికి అడ్మిషన్ చేసి వారికి కౌన్సిలింగ్ రిహాబిలిటేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. రాజ్య కే నాగరిక్ ప్రశాసన్ మంత్రి కేటీఆర్ కే ట్విట్టర్ పర్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ కే అధ్యక్ష రేవంత్ రెడ్డి తథా కాంగ్రెస్ మామలోం కే ప్రభారి మాణిక్యం ఠాకూర్ నే అప్ని ప్రతిక్రియా వ్యక్త్ కీ. ఉన్హోనే కహా కి టిఆర్ఎస్ శాసన్ పర్ क्या अध्ययन करना चाहिए, या कहते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया। वहीं माणिक्यम ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना राज्य की जनता से क्षमा याचना करने का टीआरएस पार्टी को ही है।
रेवंत रेड्डी ने केटीआर को ट्वीट करते हुए कहा कि ऋण माफी, मुफ्त उर्वरक आश्वासन इन्हें कैसे उड़ा दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष झुककर किसानों को फांसी कैसे लगाए जाए, यह देखना है। क्या यही वास्तविकता है? ना करते हुए उन्होंने कहा कि संसद भवन में बात करने के लिए कांग्रेस के पास सांसद है। माणिक्यम ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना राज्य को लूटने के बावले पर पीआरएस पार्टी जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि केटीआर के ट्वीट की हम परवाह नहीं करते, वह हमें ब्लैकमेल करे तो क्या, ना करे तो क्या, करते हुए माणिक्यम ठाकुर ने केटीआर की खिल्ली उड़ाई है। They should say sorry first for looting the Telangana state for 8 years and keeping the youth of Telangana jobless, making the farmers to commit suicide and looting the whole country and buying across the world properties. And the family of Chandrasekhar Rao should be ashamed about the loot of their money of the public of Telangana, and they had made Telangana a debt state now. कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के अल्लापुर डिवीजन में स्थित श्री विवेकानंद नगर में उत्पन्न स्थानीय समस्याओं पर स्थानीय पार्षद सुबीहा गौसुद्दीन ने बस्ती का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं पूछकर जानकारियां ली। इस मौके पर पार्षद सुबीहा गौसुद्दीन कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा जो समस्याएं हैं उनकी दृष्टि में लाई गई है, जिसमें सीसी रोड, मच्छरों की समस्या, 5 विद्युत स्तंभों को स्थानांतरित करना, वर्षा काल के समय आ रहा है बाढ़ का पानी तथा वहां जमने वाले वर्षा जल, ट्रांसफार्मर स्थानांतरण जैसे समस्याओं से लोगों ने पार्षद को अवगत कराया। इस बात की भी सुबीहा गौसुद्दीन ने जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि यह जो जो समस्याएं जिन जिन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है उन्हें तत्काल पूरा कर लोगों की समस्या दूर की जाए। कुकड़पल्ली में एक यातायात पुलिस सब इंस्पेक्टर पर एक शराबी ने अपना वीरता का प्रदर्शन किया। ड्रंकन एंड ड्राइव जांच के समय ट्रैफिक SIR पर उसने हमला कर दिया। कल रात ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चला रहे कुकटपल्ली थाने के यातायात पुलिस सब इंस्पेक्टर पर एक वाहन चालक ने शराब के नशे में गला पकड़कर SI के साथ बदसुलूकी की और उस पर हमला करने की कोशिश की। पीड़ित ट्रैफिक साइन है कुकटपल्ली पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिससे पुलिस ने उस वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि तेलंगाना राज्य में हो रहे मान सम्मान की हत्याओं पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर ऐसे मामलों की सुनवाई तत्काल पूरी की जाए, जिससे कि आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि मेरे प्राणों को जान का खतरा है कहकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने पर भी लापरवाही बरतने से नागराज की हत्या हुई है कहकर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने अपना दुख प्रकट किया है। आज सरूनगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वीरेंद्र गौड़, बुक्का नक्शा, मुक्का नरसिम्हा रेड्डी, सामा रंगा रेड्डी, स्थानीय पार्षद अकुला श्री वानी ने मिलकर कहा कि नागराज की शत प्रतिशत जाति मत के दौरान काल का प्रतिरूप ही उसकी हत्या हुई है। आधुनिक ढंग से इतना विकास कर रहे समाज में आज मान सम्मान की हत्या में घट रही है, कहते हुए उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने स्थानीय विधायक व राज्य की मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी को एक महिला होने के बावजूद भी यह घटना होकर 2 दिन बीतने के बावजूद भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा कि एक स्थानीय मंत्री होकर उस पर प्रतिक्रिया न देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने है कि तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद से ऐसे मान सम्मान की हत्याओं की घटना बढ़ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर उसके द्वारा ऐसे मामलों को निपटा कर जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने मांग की कि नागराज की विधवा आशीन को तेलंगाना सरकार की ओर से एक नौकरी, एक डबल बेडरूम आवास तथा 25 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाए। టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ సోకాల్డ్ సెక్యులర్ పార్టీ అందరూ ఈక్వాలిటీ, సెక్యులరిజం, డెమోక్రసీ మీద మాట్లాడి మనుషులని కేవలం మతాల పేరు మీద విభజించి, జాతి పేరు మీద విభజించి,
एक मानसिक रूप से विक्षिप्त वृद्ध ने गांधी अस्पताल के छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, यह जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने दी। लोगों ने बताया कि आत्महत्या कर ली वृद्ध की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। महबूब नगर निवासी वृद्ध कोमरैया नामक व्यक्ति अपने अस्वस्थता के चलते गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। अस्पताल में अपने साथ पत्नी का उपचार चलते समय वह गांधी अस्पताल के छठे माले से कूदकर आत्महत्या कर लिया। अस्पताल के अधीक्षक राजा राव ने बताया कि मृतक कमरिया की मानसिकता स्थिति सही नहीं थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। राजा राव ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मुर्दा घर भेज दिया गया है। पत्नी के उपचार के दौरान पति द्वारा आत्महत्या कर लेना यह घटना सभी लोगों के मन को विचलित कर रही है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। प्रजा शांति पार्टी प्रमुख एके पॉल ने कहा कि राहुल गांधी को कभी ना दिखाई देने वाला प्रेम आज तेलंगाना राज्य पर बरस रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी स्टंट मात्र है। के पॉल ने कहा कि तेलंगाना राज्य के किसानों को कांग्रेस पार्टी अब तक क्या की है, इस बात की जानकारी राज्य की सभी जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों तथा जनता पर, बेरोजगार युवाओं पर कांग्रेस पार्टी झूठा प्रेम प्रकट करती है। उन्होंने बताया कि फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का प्रेम तेलंगाना की जनता पर न्योछार करते हुए बहाने के लिए राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर निकले है। जबरदस्त फोर्स రాజకీయంలోకి రప్పిస్తున్నారు సోనియా గాంధీ. నాకు సోనియా గాంధీ వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగా పరిచయం కనుక మాట్లాడుతున్నా. ఇక్కడ కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన ఆంధ్ర తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో చంద్రబాబు వైఎస్ఆర్ కుటుంబ పాలన, దేశంలో రాహుల్ గాంధీ గాంధీ కుటుంబ పాలనకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రా రచించిన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం కుటుంబ పాలనకు యోగ్యత లేదు. రాహుల్ గాంధీ గారు